17 years मैं खान साहब से सीखना शुरू किया और शागिर्द हुआ उनका. एंड इट्स बीन सच अ लॉन्ग एसोसिएशन कि उनके बगैर मैं
कुछ नहीं हो पाता। जो भी मैं हूँ, जो भी गाता हूँ, जो भी सोच है म्यूजिकली, बस उनका दिया हुआ देन है। एंड हाँ जी, मैं बिल्कुल परिवार सबसे बड़ा बेटा हूँ मैं। ये उन्होंने मुझे ये पोजीशन दिया मुझे, और मैं वाकई आई एम सो, दुख तो है, खान साहब नहीं हमारे साथ, बहुत दुख है, मगर उन्होंने एक, उनके बारे में कहूँगा कि गाना तो हेवनली डिवाइन, उसके साथ साथ ह्यूमन बीइंग ही वॉज वेरी डिवाइन, वेरी सिंपल सोल, और सबको एक तरह से बात करते, सबके साथ, कोई भी हो, द बिगेस्ट मैन इन सोसाइटी, अ वेरी ऑर्डिनरी मैन इन सोसाइटी, सब उन सबसे एक ही तरह से बात करते थे। और मुझे ये सीखने को मिला क्योंकि उनके साथ मैं बहुत टाइम गुजारा हूँ। हम एक कहना बहुत है, इसलिए कन्फ्यूजन है मेरे माइंड में क्या कहूँ करके। तो एक बार हम जा रहे थे उनके घर पेरी क्रॉस रोड से ऑल इंडिया रेडियो, तो मेरे पास थोड़ा एक छोटा मॉरिस माइनर था, तो नया नया सीखा हुआ था, तो मुझे कहीं भी खासा मैं लेके जाता हूँ आपको करके। तो हम लोग गए ऑल इंडिया रेडियो, तो जाते 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 वो कुछ गुनगुनाने लगे। मैं सुना नहीं था वो क्या है। जाते जाते एक उन्होंने राग बनाया और वहां पे जाके रिकॉर्ड भी कर दिया, न्यू राग। दैट वाज हिज कंट्रोल ओवर द आर्ट। और ऐसे लग रहा था कि खासों बरसों वो राग गा रहे हैं वैसे ही, मतलब जैसे यमन में या दरबारी में या कीरवानी में जिस रवानी से वो ताने जो गाते हैं उसी तरह से गा रहे थे वो। मैंने कहा खान साहब आप कैसे, क्या है? बोले बेटा वो समझ जाओगे तुम। तो ही वॉज अ जीनियस, एंड इस इतनी सिंप्लिसिटी वो से वो रहते थे, वो जीनियस, जीनियसनेस जो है वो आपको नजर नहीं आएगा, बिकॉज ही वॉज सो सिंपल। कभी अपने बारे में, अपने गाने के बारे में कभी नहीं बात किया उन्होंने। कुछ देता है मैं गाता हूँ, बस यही है। सो दीज थिंग्स यू नो वी कैन, उन्होंने सिखाया हमें, और मुझे संगीत, सिर्फ संगीत नहीं सिखाया उन्होंने, उन्होंने मुझे सिखाया हाउ टू लिव लाइफ, व्हाट इज अ म्यूजिशियंस लाइफ, व्हाट इज अ फिलॉसफी यू शुड हैव व्हेन यू आर अ म्यूजिशियन टुवर्ड्स एवरीबॉडी। तो कभी एक बार उन्होंने कहा यार अच्छा इंसान बनो यार, उसके बाद म्यूजिशियन बनो, उसके बाद कोशिश करो म्यूजिशियन बनने के लिए, इंसान तो अच्छा। एंड ही वॉज लाइक दैट, ही वॉज अमेजिंग पर्सनैलिटी, और बहुत मिस करते हैं, और गाना सुनते हैं तो ऐसे गाए हैं उन्होंने, मतलब इम्पॉसिबल गाना उनका, हर राग को यमन बना देते थे, सच में कह रहा हूँ। 3.5 सप्तक 4 सप्तक तान उगा रहे हैं और शिकन तक नहीं उनके मुंह पर, ऐसे हंस के गा रहे हैं, और 3.5 सप्तक में वहाँ पे न्यास कर रहे हैं ऊपर ऊपर जाके, ऐसे नहीं कि छू के आए हैं, वहाँ पे बैठ के गा रहे हैं खुद, और कुछ भी नहीं है उनकी शक्ल में, इतना स्माइल है, स्माइल के साथ गाते थे, विच इज अमेजिंग। एक बार कुछ मुझे कहा कि बेटा इस पे रियाज करो, तो मैं गा रहा था, तो ऐसे लेटे थे, सो रहे थे, कुछ आधे घंटे के बाद ऐसे आंख खोले और 3.5 सप्तक से
उसी पोजीशन से गाए वो है तो एकदम इट इज इम्पॉसिबल फॉर अ मैन. जब आप यू आर स्लीपिंग यू आर लाइंग डाउन आप कैसे गाएंगे ऑक्टेव. मतलब वो ऐसे ऐसे मैं उनको मतलब ऐसे मैं देखा हूँ मैं कि उनके पावर क्या क्या रियाज किए होंगे उन्होंने. मतलब इट्स अमेजिंग वाकई. हमारे उस्ताद आई एम सो प्राउड कि मैं भी उनसे कुछ सीखा. सबसे पहले मैं 1974 में 6-8 महीने के बाद मुझे एक शामे गज़ल का एक चांस मिला मुझे दूरदर्शन. 73 में इट वाज इन बॉम्बे. 1974 तो बोला अच्छा गाओगे ठीक है ये सीखो. तो उन्होंने यही गज़ल मुझे सिखाई. बहुत बेचैन है दिल तुम जहाँ भी हो चले आओ. सितारों की सजी महफिल न उठ जाए चले आओ. बहुत बेचैन है दिल तुम्हारी बेरुखी ने यूं हमारा दिल बहुत तोड़ा तुम्हारी हमारा दिल बहुत तोड़ा. उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है तुम चले आओ. उसी दिल ने तुम्हें आवाज दी है तुम चले आओ. बहुत बेचैन है दिल. क्या बात है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. और पापा के लिए मैं यही बोलूँगा कि जैसा हरी भाई ने बताया बहुत ही सिंपल इंसान थे उनको. मतलब एक किस्सा मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो कैसे शख्सियत थे. एक बार हम लोग हम चारों भाई पापा के साथ रियाज कर रहे थे म्यूज़िक रूम में अपने. और एक कोई पूना के किसी गांव से एक खेत मजदूर कोई उनसे मिलने आया और वो आके उनके पैर में छू के और बैठ गए. तो उन्होंने पापा को पूछा कि गुरुजी आप मुझे पहचाने हैं. तो पापा नहीं पहचाने थे उनको. तो कुछ साल भर पहले वो आए थे तो पापा नहीं पहचान पाए उनको. तो उन्होंने याद दिलाया कि मैं करीब साल भर पहले आपसे मिलने आया था और मैं आपको बहुत मानता हूँ बहुत आपका गायन पसंद करता हूँ. तो पापा बोले अच्छा. फिर उन्होंने बताया कि मैं आया था तो आपके आगे खाने का ट्रे लगा था और मैंने जब बेल बजाया आपने दरवाज़ा खोला उस रूम में कोई नहीं था. तो आपने रूम का दरवाज़ा खोल के और मुझसे बोला जाओ मुँह हाथ धो लो अपना. और जब मैं आया उधर तो उन्होंने वो खाने का ट्रे मुझे दे दिया था. तो आपने मुझे वो खाने का ट्रे दिया था. फिर मैंने बोला नहीं गुरुजी आप खाइए. बोले नहीं नहीं तुम खाओ. तो और फिर जब मैं गया तो उन्होंने मुझे जेब से पैसे दिए और मुझसे मैं नहीं ले रहा था. तो उन्होंने ये बोला कि तुम मुझे प्यार करते हो मानते हो ये मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे लिए तुम ये लेके जाओ. वो जब चले गए तो पापा बोले हाँ मैं अब पहचान गया बेटा आपको. जब वो चले गए तो हम लोगों को देख के मुस्कुराए वो और उन्होंने ये बताया कि मैंने बेटा उस दिन मैंने खाना नहीं खाया था दोपहर का.
क्योंकि मैंने जो मेरे लिए तुम्हारी मम्मी ने खाना दिया था, तो अगर मैं बोलता कि उसको खिला दिया है मैंने, तो हो सकता मम्मी बोलती अरे आपने घर में इतना खाना बनाया था लोगों के हिसाब से, ऐसा है वैसा है, तो बोले मैंने सोचा कि उसने खा लिया तो मेरा पेट भर गया उससे। तो ये उनका एक कैरेक्टर था। दूसरी बात, वो हमेशा बोलते थे, एक बार हरी भाई हम लोग रियाज कर रहे थे, तो उस पापा वॉज अराउंड 75, तो हम लोग को रियाज कराते कराते वो बोले बच्चों मुझे अब समझ में आ रहा है, थोड़ा सारा गाना बजाना समझ में आ रहा है। तो हरी भाई हम सब एक दूसरे को देखने लगे, फिर बोले वो, तो हरी भाई ने एकदम से बोला था खासा अगर आप ये बोलोगे तो हम कहाँ हैं। तो बोले नहीं नहीं बेटा, जब आर्टिस्ट बूढ़ा होता है तो उसकी सोच जवान होती है, तो शरीर नहीं ले पाता है, तो ये तुम लोगों के लिए है जो भी है। तो इस तरीके के बहुत सारे किस्से हैं पापा के। वो एक चीज़ बोलते थे, मेरा जन्म यूपी में हुआ, वो मेरी जन्मभूमि थी और महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है, तो दोनों का अपना एक महत्व है, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ था लेकिन फिर यहाँ महाराष्ट्र में आके मुझे जो प्यार मिला तो वो मैं भूल नहीं सकता उस प्यार को। तो वही वजह है कि आज भी वो महाराष्ट्र की ही गोद में सो रहे हैं। और बस मैं यही दुआ करूँगा आप लोगों से सबसे कि उनके लिए दुआ करें कि मालिक उनकी आत्मा को शांति दे, उनको जन्नत अता फरमाए, और बस बहुत धन्यवाद।